तो गाइस देखो ये है हिबोडोल, ये गाइस हिबोडोल का पोखरी देखो गाइस। हाय हेलो दोस्तों, मैं ओबिका छत्री और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का प्यारा यूट्यूब चैनल BX07 ब्लॉग। तो मैं आज कहाँ जाने वाला हूँ आप लोग को टाइटल और थंबनेल देखा तो पता चल ही गया होंगे दोस्तों। मैं आज जाने वाला हूँ शिवसागर वो शिवाडोल, तो ट्रैवल का ब्लॉग होने वाला है। कैसे जा रहा हूँ हम शिवसागर वो शिवाडोल, देखते रहे ब्लॉग। तो अभी स्टार्ट करेंगे ब्लॉग, चलो। तो गाइस अभी पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन, जाने वाला हूँ। देखो गाइस इधर देखो, मेरे साथ है मम्मी और हम लोग का गाँव की और पड़ोसी, और मैं जा रहा हूँ अभी बोलबम। थोड़ा वेट कर रहा है, ट्रेन क्रॉसिंग था ना इसलिए वेट हो रहा है। अभी हम लोग पहुँच गया हूँ फरकाटिंग जंक्शन, ये देख सकते हो ट्रेन पे। मैं इस देखो फुल्ली ट्रेन पे जा रहा हूँ। तो गाइस थोड़ा भूख लग गया ना इसलिए हम लोग खा रहे हैं बीकर जी का ये भुजिया। देखो थोड़ा भूख लग गया गाइस, क्या कर हम लोग सब जा रहे हैं ट्रेन पे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शिवसागर बोलबम। तो मेरे साथ है ये आंटी, हम लोग का घर का पड़ोसी, इधर है हमारा मम्मी और उधर है अंकल। तो हम लोग सब जा रहे हैं शिवसागर बोलबम, देखते रहे ब्लॉग, बहुत धमाका ब्लॉग होने वाला गाइस। अभी फाइनली पहुंच गया हूं वो सिमलगिरी, उसके बाद जाएंगे पैदल वो क्या बोला वो हिबोडोल, उसका सामने जाएंगे पैदल और 8 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल करना पड़ेगा पैदल। ये पीछे पे नज़ारा देख रहे हो, सब लोग बोलबम जा रहे हैं तो देख सकते हो गाइस। तो अभी हम सिमलगिरी पहुंच गए, उसके बाद हम जाएँगे हिबोडोल शिवसागर, वो पैदल जाएंगे, 8 किलोमीटर होगा। तो सब लोग जा रहे हैं तो पीछे पर भी देख सकते हो, जब पहुंचेंगे और देखते रहना ब्लॉग और भी दिखाऊंगा। तो गाइस अभी जा रहे हैं मैजिक पे, देख सकते हो गाइस। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच गया हूं वो शिवसागर हिबोडोल। तो और का जो होने वाला है, पूजा कैसे होने वाला है सब दिखाऊँगा आप लोग को, और इस ब्लॉग में नहीं, इस ब्लॉग में एंड कर दूंगा इतना में। और कल के ब्लॉग जो पार्ट 2 होने वाला है, दूसरा पार्ट, उस पार्ट में आप लोग को फुल्ली दिखाऊंगा रात पे कैसे होता है पानी उठाने, और फुल दिखाऊंगा। तो इस ब्लॉग इसी में एंड करता हूँ। तो कीप वॉच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।